बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद शरीफ शहीद जिनको गुज़श्ता साल मजबूर होकर आज ही की तारीख को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा, उन्होंने इमरान खान के मुतालिक कहा था कि बोनों की बस्ती में एक कद और लीडर होना इमरान खान का जुर्म था। कुदरत ने आज ही के दिन ये बात पूरी दुनिया के सामने आया कर दी कि इमरान खान का जुर्म वाकई अपने कौम के ऊपर एक सायादार दरख्त की तरह तन कर कड़ा होना था। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट की अहमियत उन लोगों से पूछो जिनके घर दहशतगर्दी में बर्बाद हुए, उन बापों से पूछो जिन्होंने अपनी जवान औलादों के लाशों को गंदा दिया, उन माओं से पूछो जिनको अपने जिगर कोशों के टुकड़े मिले, उन बच्चों से पूछो जिन्होंने अपने साथियों के चीतड़े उड़ते देखे, हमसे पूछो हम खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से जिन्होंने 20 साल मौत के साए में गुजारे और सिर्फ इमरान खान की हुकूमत के 3 सालों में हमने सुकून का सांस लिया। आज ये बात साबित हुई कि पाकिस्तान की मुंतखब और जमहूरी हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी ताकतों ने मिलकर साजिश करके हटाया और उस दिन से आज तक जिस तबाही का सफ़र पाकिस्तान ने किया, जैसे हमारी मईशत को बर्बाद किया गया, जैसे चोरों के टोले को मुल्क पर मुसल्लत करके पाकिस्तान के साथ गद्दारी की गई, मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों पर अरशद शरीफ, इमरान रियाज खान, साबिर शाकिर, मुईद पीरजादा, समी इब्राहिम पर सच का साथ देने की पादाश में मुकदमे किए गए, इनको डराया धमकाया गया, अरशद शरीफ को गरीबुल वतनी में कत्ल किया गया, इमरान रियाज खान 3 माह से लापता है, अमाद यूसुफ, शुएब शेख, शहबाज गिल, आजम स्वाति से जो इंसानियत सोच सलूक किया गया, पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम पर मुतअद्दिद कतलाना हमले किए गए, सैकड़ों जाली केसेस बनाए गए, उनको जाली मुकदमे में सजा देकर कैद में डाला गया, 10,000 से शायद सियासी कारकुनान को एक फाल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जेलों में कैद कर दिया गया, सियासी लीडरान का इंसाफ तक रसाई का बुनियादी हक सल्ब कर लिया गया, इफ्तिखार दुरानी, शानदाना गुलजार, अली खान लापता, अली अवान, शहजाद अकबर, अजहर मशवानी के भाई लापता, शहरियार अफरीदी, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, फिरदौस नकवी, उमर चीमा और हजारों कारकुनान बार बार कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद बेबुनियाद केसों में 3 माह से कैद है, मुझे मुस्तकिल कत्ल की धमकियां और मनसूबा बंदी हो रही है, मेरे और देगर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडरान के घर वालों को जाने मुकदमात में उलझाकर गिरफ्तार और हरासा किया जा रहा है, पार्टी की दूसरी और तीसरे दर्जे की तमाम तर लीडरशिप इस वजह से रोपोश है कि आईन और कानून इस मुल्क में मुअत्तल है, अदालतें इस जबर के निज़ाम में बेबस है, आज हमारे मुल्क पर दहशत का राज है, सड़कों पर हमारी माओं के सरों से हमारी पुलिस दुपट्टे नोच रही है, घरों में हमारी इज्जतें महफूज नहीं और मस्जिदों में हमारी जानें, सरहदों पर हमारे मुहाफिज दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बन रहे हैं और बंद कमरों में हमारी कौमी अहमियत की बोलियां लग रही है और इस सब के ताने बाने मिलते हैं उस एक साजिश से कि जिसके तहत पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, तो फिर सवाल तो बनता है कि क्या आज भी कोई वाल ऑफ शेम बनेगी और इन सब की तस्वीरों पर स्याही मली जाएगी कि जिन्होंने पाकिस्तान का सौदा किया, या ये एजाज सिर्फ मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के लिए ही मुख्तस रखा गया है, क्या आज गद्दार वतन का तमगा उन सीनों पर भी सजाया जाएगा जिन्होंने मुल्क के मुंतखब वजीर आजम पर सुर्ख कांटा लगाया, या कल उन्हें भी सरकारी एजाज के साथ दफनाया जाएगा, सवाल तो फिर बनता है और आज नहीं तो कल इन सवालों का जवाब आपसे ये कौम लेकर रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।